नमस्कार, मैं डॉक्टर भिक्के राय। आपको मेरे चैनल डॉक्टर भिक्के राय होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। साथियों, आज मैं चर्चा करूँगा और बतलाऊँगा काउज ऑफ हेयर लॉस के बारे में, और साथ में बतलाऊँगा कि इसके लिए कौन सा जाँच कराया जा सकता है। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, पहला बार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं काउजेज ऑफ हेयर लॉस के बारे में। तो मैंने जो अपने प्रैक्टिस के दरमियान जो काउज और कारण देखा है, केवल वही मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स, यानी कि जिनके दादा दादी या पेरेंट्स माता पिता को हेयर लॉस की समस्या देखने को मिलता है, तो उनके बच्चों को भी जो है यह समस्या देखने को मिल सकता है। अगला और दूसरा कारण है हार्मोनल इनबैलेंस। तीसरा कारण है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, मानसिक बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसके कारण भी जो है उनको हेयर लॉस की समस्या देखने को मिल सकता है। अगला और चौथा कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। जो लोग ठीक तरीके से अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण भी जो है उनको हेयर लॉस की समस्या देखने को मिल सकता है। अगला और पांचवा कारण है सीरियस इलनेस। गंभीर बीमारी के बाद भी हेयर लॉस की समस्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि टाइफाइड। छठा कारण है मेडिकेशन। ये था मेजर काउज और कारण जो मैंने इस वीडियो में बतलाया हूँ, और यह जो है प्रैक्टिस में मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इन कारणों में से कोई न कोई कारण का शिकार होते हैं। अब ये जानते हैं कि यदि जिनको हेयर लॉस की समस्या देखने को मिल रहा है तो उनको कौन सा जांच कराना चाहिए, जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के यह समस्या से उनको जो है बचाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मेल के लिए जान लेते हैं कि यदि जो है मेल को हेयर लॉस की समस्या देखने को मिल रहा है तो उनको कौन सा जांच कराना चाहिए। तो उनको थायराइड की जांच करा करके पता कर सकते हैं कि कहीं थायराइड की वजह से तो हेयर लॉस की समस्या नहीं हो रहा है। उनको विटामिन्स की जांच करा सकते हैं, हार्मोन्स की जांच करा सकते हैं, DHT करा सकते हैं, ऑटोइम्यून करा सकते हैं, मिनरल्स की जांच करा करके जो है पता कर सकते हैं हेयर लॉस की समस्या का। अब चलिए जान लेते हैं फीमेल के लिए। तो वह जो है थायराइड की जांच करा सकते हैं, विटामिन्स की जांच करा सकते हैं, हार्मोन्स, आयरन, ऑटोइम्यून और मिनरल्स की जाँच करा करके जो है हेयर लॉस की समस्या का पता कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए जो जांच बतलाया वो करीब करीब सेम है। इसमें से सारे टेस्ट आपको नहीं करा लेना है, इसमें से केवल वही जांच आपको कराना है जिस जांच का आपको सिम्टम और लक्षण मैच करता हो। जैसे मानिए कि यदि आप थायराइड टेस्ट करवाए हैं और आपको थायराइड जो है सिम्टम लक्षण देखने को मिल रहा है और आपने जांच कराया आपको पॉजिटिव आ गया, तो यदि आप थायराइड की ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको हेयर लॉस की समस्या भी आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।